नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजीव आप लोगों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका विंडोज़ जो 10 है, जो कि मेरा अभी लगा हुआ है विंडोज़ 10। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में विंडोज़ 10 है, राइट, विंडोज़ 10 होम। आज हम सीखेंगे कैसे ये जो टास्क बार है, इसको टास्क बार कहते हैं, जहाँ पर विंडोज़ बटन रहता है या कुछ जो भी आप ओपन करोगे। जैसे कि मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, तो ओपन होने के बाद यहाँ पर एक लोगो आ जाएगा और जो कि दिखाएगा ये ओपन है। ओके, तो देखिए ये ओपन हो गया और वहाँ पर ये दिखा रहा है। मिनिमाइज करने के बाद भी देखिए ये है ओपन हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, टास्क बार में कुछ शॉर्टकट की भी डाल देते हैं ऐसे, राइट। ये देखिए मैंने एक शॉर्टकट की डाल दिया नोटपैड का। तो ऐसे आप लोग एक फ़ोल्डर का आप डाल सकते हैं, क्योंकि फ़ोल्डर ऑलरेडी है इसलिए नहीं लिया। तो ये जो है मेरा एक सॉफ्टवेयर का, ये भी डाल दिया, तो ऐसे डाल सकते हैं। तो अभी आज सीखेंगे कि इसको अब हाइड कैसे करें। हाइड मतलब जब आपका ये जो माउस है, माउस का जो पॉइंटर है, ये जब यहाँ पर टच होगा तब भी ये ओपन होगा और अदर्स टाइम ये नहीं ओपन रहेगा, ठीक है। और एक बात सीखेंगे कि ये जो टास्क बार है, इसको हम ऊपर की तरफ या राइट या लेफ्ट, ये चारों साइड पे कैसे लें। तो चलिए पहले आपको क्या करना है, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वहाँ पर ये जो टास्क बार है इसके अंदर ही माउस को रहना है, माउस पॉइंटर को, उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज़। अभी देखिए ये जो छोटा सा विंडो ओपन हुआ, इसके अंदर ही सबका सेटिंग है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो हाइड द टास्क बार, देखिए मैं ऑटो हाइड टास्क बार में क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अप्लाई। अभी देखो ये चला गया। अभी जब भी मैं माउस नीचे लाऊँगा तब भी ये ओपन होगा, देखिए, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा सा कूलेस्ट फीचर है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके देखिए अभी जो कह रहा था, अभी मैं ये यहाँ पर बॉटम पे है, मतलब ये नीचे, अभी इसको हम लेफ्ट नहीं टॉप पे दे देते हैं, टॉप, ओके, अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये टॉप पे चला गया, राइट। ऐसे आप चाहे तो राइट पे लेफ्ट भी रख सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट, एक कूलेस्ट फीचर है। उसके बाद यहाँ पर राइट है तो राइट पे भी रख सकते हैं, राइट। और एक चीज़ है, ये यूज या स्मॉल टास्क पर मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, और ये जो राइट है इसको मैं अभी बॉटम पे, तो मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ, ऐसे मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, देखिए बहुत अच्छा होता है, डिस्प्ले का जो विंडो है बहुत अच्छा दिखता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और इसको मैं अनपिन कर देता हूँ, जो कि आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा बहुत अच्छे तरह से कैसे काम करता है, तो एक बहुत अच्छा सा फीचर है, मेरे को अच्छा लगा, तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए।